जे कहीं कोकरा काट न ले। हेलो नमस्कार दोस्तों, सुनीता जी के किचन में आप सभी को बहुत दिनों के बाद बहुत बहुत स्वागत है। आज चलते हैं कोकरा बिछने के लिए। कोकरा बिछने के लिए एक बाल्टी ले लिए हैं, एक हंसुआ ले लिए हैं, उसके बाद एक बांस के खड़ावा ले लिए हैं। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों कोकरा पकड़ने के लिए हम नदी में पहुंच गए हैं। ये बाल्टी ले लिए हैं कोकरा धरने के लिए, ये खड़ाहरा ले लिए हैं, ये हंसुआ ले लिए हैं। अगर मान में कोकरा मिलेगा तो ये हंसुआ से निकालेंगे, अगर ऊपर में ज्यादा कोकरा मिलेगा तो ये बांस के खड़ाहरा से हम बाहर करके उठा लेंगे। तो चलिए कोकरा हम खोजना स्टार्ट करते हैं, जो कोकरा कहाँ पर मिलेगा। तो यही हंसुआ से हम कोकरा के खोज करके मान में हंसुआ से निकालेंगे। चलिए हम कोकरा के खोजना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ पर कोकरा मिलेगा। ये मान है तो मान में हम हंसुआ से ये मट्टी के हटा करके देखते हैं जो कहाँ पर मिलेगा। दोस्तों कोकरा तो मिल गया है, लेकिन कोकरा के मुंह होता है, दांत होता है, लगता है जो कहीं कोकरा काट न ले। दोस्तों कोकरा बहुत भागता है, कोकरा के ये टांग होता है, मुंह होता है, इससे लगता है जो कहीं काट न ले। इसको ठीक से पकड़ना पड़ता है हंसुआ के साथ। दोस्तों बहुत कोकरा है, इसलिए हाथे से हाली हाली पकड़ते हैं, न तो सभी भाग जाएगा।
तो बांस के खरारा ले लिए हैं, बहुत सारे हमको कोकरा मिल गया है, तो चलिए बांस के खरारा से हम इसको हाली सिनी बाहर लेते हैं, नहीं तो ये भाग जाएगा, सभी कोकरा भाग जाएगा। दांत मुंह होता है, काट लेगा, इसीलिए हम बांस के खरहारा ले लिए हैं, इसी से हम बाहर लेते हैं, हाथ से पकड़ाता नहीं है। बहुत कोकरा भागता रहता है, पकड़ने नहीं देता है। अगर हम खरहारा से कोकरा नहीं पकड़ते तो सभी कोकरा भाग जाता है। तो एक बाल्टी हम कोकरा पकड़ लिए हैं, तो चलिए चलते हैं अपने किचन की ओर, यही कोकरा के हम रेसिपी बनाएंगे, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों कोकरा लेकर के किचन में पहुंच गए हैं, यही कोकरा के हम रेसिपी बनाएंगे, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, तो चलिए हम कोकरा बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो चलिए हम कोकरा के बना करके बढ़िया से सफाई करके ले आते हैं। दोस्तों कोकरा के बढ़िया से हम बना लिए हैं, तो चलिए इसको पानी से हम सफाई करके धो लेते हैं, तो चलिए कोकरा धोना हम स्टार्ट करते हैं। चलिए कोकरा धो लिए हैं, तो चलिए हम रखते हैं। पानी से धो लिए हैं, तो चलिए हम दूसरा पानी से फिर से धो लेते हैं। कोकरा साफ हो गया है, तो चलिए इस पत्ता पर का हम रखते हैं। दो पानी से धो लिए, तो चलिए पानी से फिर से हम साफ करके धो लेते हैं। दोस्तों कोकरा बनाने के लिए चलिए हम सबसे पहले ईटा के चूल्हा के हम बना लेते हैं। तो चलिए हम ईटा ले आए हैं, तो चलिए हम चूल्हा बना लेते हैं। चूल्हा बना करके हम रेडी कर लिए हैं, तो चलिए कोकरा बनाने के लिए जरना ले आते हैं। दोस्तों ये मिट्टी के बर्तन है, इसमें हम लेवा रख देते हैं, इसलिए हम इसमें लेवा लगा देते हैं।
लेवा लगाने से क्या होता है, बर्तन नहीं जलता है, बचा रहता है। दोस्तों चलिए लेवा लगा लिए हैं, उसके बाद हम चलिए चूल्हा जोड़ लेते हैं। दोस्तों चूल्हा जोड़ लिए हैं तो चलिए रिफाइंड तेल डाल देते हैं। तो रिफाइंड तेल गर्म हो गया है तो चलिए सबसे पहले हम जीरा के डाल देते हैं, उसके बाद तेजपत्ता डाल देते हैं, उसके बाद मिर्ची डाल देते हैं, उसके बाद हम प्याज डाल देते हैं। तो चलिए हम इसको बढ़िया से चला देते हैं। दोस्तों फोरन पक गया है तो चलिए हम कोकरा डाल देते हैं, मिट्टी के बर्तन में हम कोकरा डाल देते हैं। दोस्तों ईटा के चूल्हा पर मिट्टी के बर्तन में एक कोकरा बनाते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगेगा देखने में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन घंटी के ऑन कर लीजिएगा। ये है धनिया पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है, ये मिर्ची पाउडर है, ये मीट मसाला है, ये घोर लेते हैं। दोस्तों कोकड़ा बढ़िया से भुजा करके रेडी हो गया है तो चलिए हम इसमें मसाला डाल देते हैं। ये हम अपना गांव के तरीका से बनाते हैं, मसाला डाल दिए हैं तो इसको बढ़िया से हम चला देंगे। दोस्तों मसाला बढ़िया से भुजा गया है तो स्वाद अनुसार हम नीमक डाल देते हैं। नीमक डाल दिए हैं तो चलिए कोकरा के हम चला देते हैं। दोस्तों नीमक डाल दिए हैं तो चलिए उसके बाद हम पानी डाल देते हैं, पानी डालेंगे हिसाब से। दोस्तों कोकरा में पानी डाल दिए हैं, इसको बढ़िया से हम चला देते हैं। चला दिए हैं तो चलिए इसको ढक देते हैं जो सभी मसाला बढ़िया से मिक्स हो जाएगा। दोस्तों ईंटा के चूल्हा पर मिट्टी के बर्तन में कोकड़ा बन करके तैयारी हो गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगेगा देखने में जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोकड़ा में बहुत ही सेंट आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। कोकरा बन करके तैयारी हो गया था, चलिए हम साफ से उतार करके हम नीचे रखते हैं, ये बैठका पर रख देते हैं। दोस्तों मिट्टी के बर्तन में कोकरा बना करके तैयारी कर लिए हैं तो ये वीडियो आपको देखने में कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेंगे अगले वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।